Kudine Samiti. Siman. Siman Sulebati. Siman Sulebati. Paraji. Isugatan Samarong Upati. Banyosin. India Act 70, Democracy Development and Mission. ये तीन जो शब्द है, अगर मैंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया होता तो सिर्फ मैं डेमोक्रेसी ही रखता, क्योंकि बाकी के दो शब्द इसके अंदर ही नहीं. और मैं तीनों शब्द की तात्विक परिभाषा में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज यहां पर हम इंडिया एक्ट 70 के रेफरेंस में तीनों की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. तो उसकी तात्विक परिभाषा करने की बजाय 70 साल के बाद आज हम जहां एक मकाम पर खड़े हैं, तो हमारे लोकतंत्र की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, चाहे वो व्यक्ति का हो, समाज का हो, देश का हो, और लोकतंत्र में असहमति की जो जगह और महत्व है, उसकी दृष्टि से हम कहां खड़े हैं, इसका ध्यान अवलोकन करना जरूर चाहिए. मित्रों, ये जो इंडिया एक्ट 70 शब्द है, वो शब्द एक तरीके से ठीक नहीं. आजादी के रेफरेंस में देखें तो इंडिया एक्ट 70 ठीक शब्द है, मगर भारत की जियोपॉलिटिकल डेफिनेशन होने से पहले बहुत सालों से चलता हुआ एक राष्ट्र चला है. शासकीय व्यवस्था बदल जाने से राष्ट्र बदल जाता है या राष्ट्र की अवधारणा बदल जाती है, ये मूलत विचार ही ठीक नहीं. शासक बदल सकते हैं, हो सकता है विदेशियों ने हमें काफी समय तक स्वाधीनता से दूर रखा, हो सकता है कि हम ऐसा मान ले कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन हो गए, मगर उसका चीर पुरातन राष्ट्र की सातत्य के साथ पूर्ण. तो भारत जैसे देश को 70 साल की आजादी के साथ जोड़ना ठीक नहीं. फिर भी दुनिया की समझ की दृष्टि से और जब विहंगावलोकन करना होता है तो एक बेंचमार्क लेना पड़ता है. इस दृष्टि से हमारे समकालीन जो देश हुए, जिन्होंने भी लोकतंत्र अपने यहां स्वीकार किया, हमारे साथ भी उनकी यात्रा शुरू हुई आजादी के बाद की, कहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद, संपूर्ण विनाश के बाद पुनर्निर्माण की, वो सब आज कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं, और इसके कारण क्या है. मुझे लगता है समाज के नाते, देश के नाते, समाज के और देश के सुचिंतक के नाते हमने इसको सोचना ही पड़ेगा. मित्रों, 70 साल के पहले जब हम आजाद हुए, उस वक्त हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया. ये बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जब हमने स्वीकार की और एक आजादी का जोश था, तब सबको लगता था कि हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली स्वीकार करने के बाद और आजाद होने के बाद हमारे सारे मुद्दों का अंत अपने आप हो जाए. मगर 70 साल के बाद पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एकदम से, मेरा ऐसा नहीं कहना कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि मैं बताऊंगा, मगर एकदम से जो हमारी कल्पना थी, इस तरह का भारत हम नहीं बना पाए, ये आज हमें स्वीकारना है. क्योंकि इसको सहमरूप वृत्ति से अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते.
तो इसको हमने स्वीकार ही पड़ेगा। सबसे पहले तो जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम सबको गौरव है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आजादी के बाद 16 बार बिल्कुल संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता के परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने किया है और पूरी दुनिया आज भारत के लोकतंत्र की नींव बहुत गहरी है ये बात को मान चुकी है और गणतंत्र के नागरिक के नाते हम सबको इस पर गौरव है। हमें सिद्ध कर चुके कि मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर जो कुछ भी होता होना चाहिए वो एक राष्ट्र के नाते, एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक जनता के नाते हमने इसको अपने अंदर भली भांति विकसित करने का एक सफल प्रयास किया है और विकसित कर पाए और पूरी दुनिया मान चुकी है। इसमें किसी को मानने न मानने का कोई सवाल ही नहीं। कई सारे देश ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिन्होंने हमारे साथ ही लोकतंत्र को अपनाया मगर लोकतंत्र की गाड़ी कहीं ना कहीं डिरेल हो गई। स्पिरिट की दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से, सत्ता परिवर्तनों की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये गाड़ी डिरेल हो गई। इसके सामने हमने लोकतंत्र को दृढ़ करने में बहुत बड़ी सफलता पाई है और संविधान का जो स्पिरिट, हमारे संविधान के स्पिरिट को हम संस्कार में परिवर्तित करने में सफल हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पंचायती राज के आने के बाद सत्ता में भागीदारी की दृष्टि से और विकेंद्रीकरण की दृष्टि से भी हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट की। आज गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लोग बाय एंड लार्ज पूरे देश के अंदर एक निश्चित कालावधि के बाद फिर से चुनकर आते हैं, जनता का विश्वास प्राप्त कर आते हैं और विकास के अंदर अपना हिस्सा देकर विकास को आगे बढ़ाते हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक इतने बड़े देश के अंदर ये व्यवस्था सुचारू रूप से खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं कि दुनिया भर के ऑब्जर्वर जो हमारी डेमोक्रेसी को देखते होंगे वो चाहे स्वीकार करें न करें मगर ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम ये 70 साल में किया है, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर 70 साल के अंदर हम लोकतंत्र में काफी कुछ अच्छा किया है मगर कुछ चीजें ऐसी भी हुई है जिसको अभी भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ये 70 साल के अंदर मैं ऐसा फील करता हूं, हो सकता है कि मेरा विचार एकदम सटीक और ठीक न हो, मेरी अपेक्षाएं ज्यादा हो मगर इस 70 साल के अंदर समाज की आंतरिक सक्रियता और चेतना सिकुड़ दी गई, हमें कहीं ना कहीं इसकी चिंता करनी पड़ेगी। शासन समाज जीवन पर हावी बना है जो लोकतंत्र अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं, समाज मुक्त होना चाहिए, समाज अपनी सोच के लिए, अपने विकास के लिए, अपने रास्ते पर चलने के लिए शासन व्यवस्था से बाध्य नहीं होना चाहिए मगर शासन व्यवस्था समाज जीवन पर हावी होती है। बहुत लंबे समय तक मित्रों ये देश गुलाम रहा, लगभग 800 साल की गुलामी में भी हमारी सामाजिक स्वायत्तता और सामाजिक चेतना कभी सिकुड़ती नहीं गई, चाहे वो मुगलों का कालखंड हो चाहे अंग्रेजों का कालखंड हो, और किसी ने भी अगर उसको छूने का प्रयास किया तो हमारे समाज के की आंतरिक शक्ति ने उसको रिस्पॉन्ड किया। 1857 की क्रांति के कुछ अलग दृष्टि से सोचने वाले लोग ऐसा भी एनालिसिस करते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश की सामाजिक चेतना पर, इस देश की धार्मिक चेतना पर आघात करने का प्रयास किया, उसी का फल था 1857 की स्वतंत्र संग्राम का उद्भव। इस दृष्टि से भी सोचने वाले लोग हैं मगर जो हमारी सामाजिक चेतना, सामाजिक
जिसको कहते हैं हमारे समाज का आत्मा सिकुड़ने के कारण मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आजादी के बाद जिसके हाथ में, जिन लोगों के हाथ में, जिन नेताओं के हाथ में देश का नेतृत्व तो आया, उन्होंने अपनी पहचान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अगर वो अपनी पहचान को पुनर्जीवित करते तो निश्चित ही हम अपनी सामाजिक चेतना को बरकरार कर सकते, अपनी विरासत पर गौरव भी नहीं किया और अपनी सामाजिक क्षमता और अपनी सामाजिक विरासत को समझकर देश को आगे ले जाने का प्रयास नहीं किया। और इसके कारण हम आज कहीं न कहीं लोकतंत्र के 70 साल के बाद सोचने को बाध्य है कि और अच्छा क्या हो सकता है। लोकतंत्र का पूर्ण रूप से चुनावीकरण भी हो गया है, विकास का प्रशासनीकरण हो गया है और सत्ता का केंद्रीकरण भी कहीं न कहीं नजर में आ रहा है। ये तीनों चीजों को हमने हमारे समाज जीवन के में से और हमारी व्यवस्था में से बाहर करने के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और इसके कारण लोकतंत्र होने के बावजूद भी घरानेशाही भी लंबे समय तक इस देश पर काबिज रही, जाति आधारित राजनीति भी इस देश पर अभी भी कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टियों में से इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र लगभग लगभग एक दो पार्टी छोड़कर अदृश्य हो चुका है और प्रांतीय हितों को मतों की चाल में राष्ट्रीय हितों के ऊपर ले जाकर पूरे देश के धारा प्रवाह को गलत दिशा में ले जाने का काम हो रहा है। मित्रों, मुझे लगता है कि 70 साल के बाद जब हमें सोचने के लिए बैठते हैं कि लोकतंत्र की स्थिति क्या है, तो लोकतंत्र की व्याख्या, लोकतंत्र के अंदर किसको कितनी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र के अंदर व्यक्तियों का व्यवहार क्या है, इसकी वजह लोकतंत्र के कारण जो हमारे समाज जीवन पर कुछ जगह पे गहरी क्षति हुई है, इसको एक बार हमें देखना ही पड़ेगा। पराधीनता, लंबी पराधीनता के कारण अपनी पहचान को गहरी क्षति पहुंच गई। साथ चल रहे तो इसको जागरूक करने की जरूरत थी और इसको जागरूक कर उसको आगे ले जाने की जरूरत थी, मगर उसकी जगह हम अपनी नई पहचान बनाने में पड़ गए। विभाजन के अपराध से ग्रसित होकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं आजादी के तुरंत बाद ही, मैं बहुत सोच समझ कर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, विभाजन के अपराध कोष से ग्रसित होकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं समान व्यवहार के नाम पर तुष्टिकरण की भी शुरुआत उसी वक्त कर दी थी। इसके कारण भी हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ा गहरा नुकसान हुआ है। विविधता में एकता का नारा दिया गया, मगर मैं बहुत कम उम्र का था तब से नारे का एनालिसिस कर रहा हूं कि विभिन्न समाजों में पड़ी हुई एक चेतना को परिचित कराने की जगह एक विविधता में एकता का नारा आंतरिक एकता रखने वाले समाज को विविधता में बांटने का काम कर रहा है। मैंने बहुत छोटी उम्र से अनुभव भी किया, ये विविधता में एकता का नारा कोई और देश के लिए तो हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकता। हिंदुस्तान सालों से, हजारों सालों से विविधता के बीच में जिया, हजारों सालों से नए विचारों का स्वागत किया, हजारों सालों से अंतर विरोध के बीच में कहीं शास्त्रार्थ करके नया मार्ग निकालकर हिंदुस्तान आगे बढ़ा, मगर विविधता में एकता के नाम से एक आंतरिक चेतना थी जो हम सबको एक रखती थी, उसकी जगह समाज की विविधताओं को दिखा दिखा कर समाज की एकता को हमने क्षति पहुंचाने का काम किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पर गहराई से इस देश के समाज को सोचना चाहिए। इसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। मित्रों, जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, मैं मानता हूं कि स्थूल रूप से तो हम कह सकते हैं और जरूरी भी बहुत है
कि संविधान की स्पिरिट के हिसाब से हमने चुनाव कराया है, शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है और नीचे तक लोगों को अपने पर पंचायती राज में भी कौन उनको चाहिए वो तय करने का अधिकार दिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इसके साथ साथ हमने जो गवाया है उसको भी एक बार हमने सोचना पड़ेगा। विकास का जहां तक सवाल है तो आजाद जब हुए तब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से लगभग कुछ नहीं था, अनाज खाने के अन्न के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर थे, अवकाश में पहुंचना कोई स्वप्न था, रेलवे सरकार और सेना की आवाजाही के लिए और सुविधा के लिए ही बनी थी, विमान के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़े हुए थे, इंश्योरेंस नाम की कल्पना आना अभी इस देश में बाकी थी और लगभग 6.5% लोगों के पास ही बैंक अकाउंट था, मैं बात कर रहा हूँ जब हम आजाद हुए थे। और आज कृषि और अनाज उत्पादन में बहुत बड़ी हमने प्रगति की है, लगभग 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करकर आज हम पूर्णतया स्वायत्त बन चुके हैं अन्न के क्षेत्र में। अंदर 1956 से ऊर्जा के उत्पादन का प्रारंभ करकर आज 7 अणु ऊर्जा केंद्र और 21 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ आज हम अपने ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर भी स्वायत्त हो गए, सरप्लस ऊर्जा वाला देश बन चुके हैं। आर्यभट्ट से शुरुआत करकर अब मंगल तक पहुंचने का साहस हमारे लोग कर सकते हैं और हम आज विश्व में अवकाश के क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति बने हुए हैं। रेलवे का सबसे विस्तृत नेटवर्क आज कोई देश के पास है तो भारत के पास है, अद्भुत विविधताओं के साथ 29 भाषाएं, लगभग 1650 से ज्यादा बोलियां होने के बावजूद भी हमने 16 बार शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न किया है। आणविक पनडुब्बी बनाने वाले सबसे मतलब बहुत कम देशों में से आज हिंदुस्तान खड़ा है, सबसे सस्ते सुपर कंप्यूटर बनाने की सिद्धि भी भारत ने प्राप्त की है। भारत में सबसे बड़ा भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, सबसे बड़ा दाल का उत्पादक देश है और दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना है। 90% डायमंड पॉलिशिंग का उद्योग भारत में है, लगभग 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस संचार के लिए उपलब्ध है, केला आम पपैया अदरक सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीजों में आज हम दुनिया में सबसे एक नंबर पर है। मित्रों बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमने विकास के नाम पर सिद्धि प्राप्त की है और ये भी वास्तविकता है कि विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं। मगर आज फिर भी कुपोषण निरक्षरता गरीबी बेरोजगारी ये सभी दूषणों से हमारा देश पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाया है, ये आज वास्तविकता है। और हमने ये आज 70वें साल में सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। मित्रों आप सब लोग सोचने वाले विचारने वाले लोग हैं, मैं ज्यादा इसकी मीमांसा करना नहीं चाहता, समय की भी मर्यादा है, मगर 2014 में देश की जो स्थिति थी पूरा देश एक प्रकार के वैचारिक भय के औथार के नीचे जी रहा था कि देश किस दिशा में जाएगा, देश का भविष्य क्या होगा, दुनिया में रहने वाले भारतीय भी ऐसा सोच रहे थे कि भारत का भविष्य क्या है। और अटल जी के समय में 21वीं सदी भारत की है ऐसा सोचने वाली पूरी दुनिया ऐसा कहती थी कि भारत के विकास की गाथा समाप्त होती है। बेरोजगार युवा गुस्सा निकालने के लिए रोड पर आ जाता ज्यादा था, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा की कोई चौक चौबंद व्यवस्था नहीं थी, सेना भी अपने आप को अपमानित महसूस करती थी और देश के अंदर एक प्रकार का मैंने जैसे कहा अनिश्चितता का कोहरा बना हुआ था। उसी वक्त 2014 का इलेक्शन आया और 2014 के इलेक्शन के बाद
इस महान लोकतंत्र की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देने का, एक नेता पर विश्वास करने का और 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाते पहले से ही घोषणा कर दी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और देश में आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार, भले ही सरकार एनडीए की मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है और इस सरकार में आने के बाद एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की कल्पना कैसे हो सकती है, उसकी शुरुआत नीतियां बनाने में, सरकार के बजट के आवंटन में और पंचायती राज हर व्यवस्था को ताकत देने में। सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास अगर नहीं होता है तो आप दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश तो बन जाते हो मगर आपके बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। अगर सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास नहीं होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो बढ़ जाता है मगर बेरोजगार युवा की आहें रोज पर रोड पर हरदम सुनाई पड़ती है। अगर सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास नहीं है तो बिजली का उत्पादन तो बढ़ जाता है, सरप्लस बिजली वाला राज्य तो बन सकते हैं, देश तो बन सकते हैं मगर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम अधूरा है। इस एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की नरेंद्र भाई की जो कल्पना थी, भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना थी उसको चरितार्थ करने में नई सरकार आने के बाद सरकार तुरंत लगे और एक बहुत शब्द था एक जिसको मैं कहता हूँ फैशन में तब्दील हो गया था रिफॉर्म्स, रिफॉर्म शब्द से आगे कोई कभी सोचता नहीं था मगर नरेंद्र भाई ने रिफॉर्म से आगे सुधार से अटकने की जरूरत नहीं है, हम परिवर्तन चाहते हैं, आमूल चूर परिवर्तन देश की व्यवस्था में चाहते हैं ऐसा सोचकर रिफॉर्म्स के भी आगे की सोच रखी और देश की सोच बदलने का एक प्रयास किया और आज इसके हमें परिणाम मिल रहे हैं। परिवर्तन जमीनी बदलाव का परिवर्तन हो इस प्रकार की नीतियों को हमने बनाने का प्रयास किया है। ऐसा समाज नहीं होता जो 5 साल में एक बार वोट देकर अपने आप को मुक्त मान लेता है, ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं कि एक बार 5 साल में जाकर वोट दे आए और जो चुनकर आए उनको 5 साल देश चलाना है। लोकतंत्र की निशानी तो ये है कि जो जिनको आप वोट देते हो वो शासन इस तरह के करे कि 125 करोड़ लोग सरकार के साथ मिलकर हर समस्या का निराकरण करे और जन समर्थन से ही देश का विकास और देश का आगे का रास्ता है। अगर इस तरह से हम नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की स्पिरिट को हम 7 अध्यों में नीचे तक पहुंचाने में असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं इसको सफलता। मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता कि आज देश के विदेशी मुद्रा के भंडार में कितना सरप्लस, बजट घाटा कितना कम हो गया है, महंगाई कितनी कम हुई, कार बनाने में सबसे ज्यादा हमने बना दी इथेनॉल बना दिया, चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर दिया, ये सब आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि ये आंकड़ों का महत्व कम है, महत्व है मगर कम। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली हम अर्थव्यवस्था बन गए हैं उसका भी महत्व कम है मगर मैं देखता हूँ महत्व इसका एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, इस देश की स्वच्छता के लिए कोई देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को साथ में जोड़कर स्वच्छता के संस्कार को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करता है इसका महत्व बहुत बड़ा है। महिलाओं की समानता के लिए सालों से राजनीतिक दल से चर्चा से भागने वाली सरकारें हमने देखी, ये सरकार दृढ़ता से कहती है कि महिलाओं की समानता में हम मानते हैं और इस देश में महिलाओं की अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए चाहे वो किसी भी प्रकार के विरोध को झेलना पड़े मगर ये सरकार इसके लिए मक्कमता से आगे। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया पलक
मात्र की भी देर नहीं लगी सरकार को, कोई झिझक नहीं थी, कंफ्यूजन नहीं था। इस देश की महिला चाहे किसी भी धर्म की हो उसको संविधान ने अधिकार दिया है सुरक्षित रहने का। करने का और हम इसको परिवर्तन मानते हैं। महिलाओं को के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, आप कभी सोच सकते हैं किसी प्रधानमंत्री की 15 अगस्त की स्पीच का हिस्सा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार? नरेंद्र मोदी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री की स्पीच का हिस्सा वो होता है जनधन योजना। मित्रों, 70 साल की आजादी के बाद भी 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं। 60 करोड़, आप कल्पना करो, जिसका देश के अर्थतंत्र से कोई जुड़ाव ही नहीं। किस प्रकार की डेमोक्रेसी, किस प्रकार का विकास, किस प्रकार का अधिकार, जिसके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं, कैसे जुड़ेगा वो हमारे अर्थतंत्र से? सरकार बनने की पहली कैबिनेट के अंदर निर्णय किया कि 1 साल के अंदर देश में कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसके घर में एक बैंक अकाउंट नहीं है। और मैं आज गर्व से कह रहा हूं, भारत एक ऐसा देश बन चुका है अब जिसके हर घर के अंदर एक बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त। कभी रेलवे के ब्रिज के नीचे, कभी फुटपाथ पर, कभी खेत में मजदूरी करते वक्त सांप काट गया, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, ना उनके पास इस प्रकार की सोचने की व्यवस्था। मगर ये सरकार ने इसी प्रकार की से विकास की एक नई व्याख्या करी, अधिकार की एक नई व्याख्या करी और 12 रुपये में एक्सीडेंट बीमा 2 लाख का और 300 रुपये में साल के सिर्फ तुमसे हर रोज के रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देकर पूरे देश को सुरक्षा कवच देने का काम ये सरकार ने किया है। मित्रों, लोकतंत्र के मायने क्या है? लोकतंत्र के मायने हैं कानून बनाने से कुछ नहीं होता, राइट फॉर फूड बनाने से क्या होगा जब अनाज ही नहीं, जब वितरण की व्यवस्था ही नहीं, राइट टू वर्क बनाकर क्या करोगे जब रोजगार ही नहीं। रोजगार की व्याख्या नौकरियों तक सीमित कर दी गई थी, 68 साल तक रोजगार की व्याख्याओं को नौकरियों तक सीमित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार की व्याख्या को स्वरोजगार के साथ जोड़ दिया, मुद्रा बैंक, स्टैंडअप, स्टार्टअप करकर रोजगार मांगने वाले युवा आज रोजगार देने वाले युवा बन गए हैं और 3 करोड़ युवा स्वरोजगार के माध्यम से आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मित्रों, कई प्रकार के ऐसे नए काम रक्षा नीति और विदेश नीति की गालमेल ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बहुत सालों के बाद, मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं, मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, आजादी के बाद पहली बार रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भारतीय नहीं है, दोनों अपने अपनी जगह पर स्पष्ट है। हमारी प्रायोरिटी देश की सरकार ने ठीक से करा है। मित्रों, एक ऐसे देश की रचना जो आजादी के तुरंत बाद होनी चाहिए, जिस देश को अपने अतीत पर गौरव, जो देश भविष्य की चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तैयार हो और वो चुनौती को रणनीति बनाकर प्रचंड पुरुषार्थ कर मीट मीट करने के लिए ये देश वर्तमान में जीने की तैयारी। इस प्रकार के देश की आजादी के तुरंत बाद जरूरत थी, आजादी के 68 साल के बाद इसकी शुरुआत हुई। आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र के गौरव के साथ जुड़ चुका है और मैं मानता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र में है, दुनिया में कहीं भी भारतीय रहता है तो गौरव के साथ करता है कि हाँ, मैं मूल भारतीय हूँ। ये परिवर्तन करने का काम ये सरकार ने किया है और मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र इसी के लिए करता है, विकास इसी के लिए करता है। लोकतंत्र और विकास की व्याख्याएं जो कर दी गई, निरर्थक विवादों में लोकतंत्र शब्द को घेर लिया गया। अब तक लोकतंत्र क्यों है? लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति जो विकास के पायदान पर खड़ा है, इसके विकास के लिए लोकतंत्र है, इसकी स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र है, इसके उत्थान के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर ही विकास इनबिल्ट है और लोकतंत्र के अंदर ही असहमति भी इनबिल्ट है।
अगर असहमति ही नहीं क्या स्थान ही नहीं है तो लोकतंत्र के कोई मायने ही नहीं रहता। और ये देश आज का नहीं, जो ठीक से इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने ठीक से इतिहास को पढ़ा है, सबसे पुराना लोकतंत्र हिंदुस्तान। मैं वैशाली और मल्ल गणराज्य की बात नहीं कर रहा, उसके भी पुराना द्वारका में हमारे गुजरात में यादवों का गणराज्य था, सबसे पुरानी व्यवस्था यहाँ थी। यहाँ राजाशाही भी रही, सम्राट अशोक के अरे सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में अमात्य परिषद होती थी जिसमें 500 प्रतिनिधि आते थे अपने पूरे साम्राज्य के, और महामात्य इसके अध्यक्ष होते थे। अमात्य परिषद जो नीति बनाती थी उसका राजा पालन करता था, राजा का भी सम्मान होता था, और अमात्य परिषद में छोटे से छोटे व्यक्ति से जो सुझाव आता था उस पर तत्वतः चिंतन होता था। हमारे यहाँ संवाद की प्रक्रिया, हमारे यहाँ सहअस्तित्व की प्रक्रिया, हमारे यहाँ दूसरों को सुनने की प्रक्रिया और असहमति को भी स्वीकार करने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। विपरीत विचारों को भी हमने हमेशा स्वीकार किया है, चाहे सनातन धर्म की मध्याह्न में सूरज सूर्य तपता हो तब भी बुद्ध को इस देश ने स्वीकार किया, महावीर को स्वीकार किया, और आस्तिकता के वातावरण के बीच में भी हमने चारवाक को भी स्वीकार किया। असहमति ये देश के लिए नई नहीं, मगर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, बोलने की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में एक बहुत पतली भेद रेखा होती है। जिस देश की जनता इस भेद रेखा को नहीं समझती वो देश टूट जाएगा, वो देश टूट जाएगा। और स्वच्छंदता के बीच में जो भेद रेखा है उसको समझना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आप नरेंद्र भाई के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, देश के किसी के नेता के खिलाफ भी कुछ भी कह सकते हैं, सरकार की नीतियों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, कोई विरोध सब उभर कर सकते हैं, सरकार के कुछ स्टैंड की भी आलोचना हो सकती है, देश का विरोध नहीं। ये दोनों का अंतर हमने देश विरोध की बात को अगर हम अभिव्यक्ति की आजादी के कपड़े पहना कर लाएंगे तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जो असहमति की चर्चा करते हैं, मैं मानता हूं उनको देखना चाहिए कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा कटु आलोचना किसी एक लोक नेता की हुई है, तो पूरे हॉल में सब आंख बंद कर एक नाम लेते सबके मन में बोलो एक ही नाम है नरेंद्र मोदी, किसी के मन में दूसरा है तो मैं बता दें। सबसे ज्यादा कटु आलोचना अगर किसी एक व्यक्ति की हुई आजादी के बाद तो नरेंद्र मोदी की, मगर आलोचना का स्वागत है, आलोचना को सहन भी करना चाहिए, धैर्य भी रखना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी की आलोचना से एक कदम आगे जाकर अगर इसको देश की विरोध की दिशा में अगर आप ले जाएंगे तो क्षमा करना, ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है अभी। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 70 साल का समय व्यक्ति के जीवन में तो बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़ा नहीं, मगर फिर भी एक रिव्यू के लिए, एक विहंगावलोकन के लिए अच्छा खासा समय है। और 70 साल के बाद हमने क्यों पिछड़े, कहां भटके, क्या गलतियां की, उसका विहंगावलोकन करते हुए आगे वो गलतियों को दोबारा हम न दोहराए और देश को आगे ले जाए और एक ऐसा राष्ट्र बनाए जो चीर पुरातन भारत था, जिस पर पूरी दुनिया गौरव करती थी, पूरी दुनिया में विश्व पुरुष का स्थान रखने वाला, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आध्यात्म का, आध्यात्म का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, ज्ञान का हो, शासन का हो, लोकतंत्र का हो, हर क्षेत्र में हमने दुनिया को सर्वोच्च दिया है। और मैं आज भी मानता हूँ दुनिया को सर्वोच्च देने की स्थिति ये देश की ही है और ये देश ही दे सकता है। और लोकतंत्र के माध्यम से, व्यक्ति के विकास के माध्यम से, समाज के विकास के माध्यम से, देश के विकास के माध्यम से, और असहमति के सभी स्वरों को एक साथ एक लड़ी में गिरो कर ही कर सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि हमारी जनता अब उस रास्ते पर चल पड़ी है और आगे हम फिर से एक बार दुनिया के प्रथम पंक्ति के देश में हिंदुस्तान को गौरव के साथ बैठे हुए देखेंगे, ऐसी मुझे श्रद्धा है। धन्यवाद।